चेयरमैन प्रदीप गब्बर वालों अपने ही गवांढी उपर बेटियां नाल जाति सूचक शब्द बोलन दे लगाए गए आरोप, जिस कारण एक शिकायत भारत नूं प्यार भरी जय वाल्मीकि जय भीम जय भारत। बड़ी दुखी हिरदे नाल समाज नूं दसना चाहुंदे हाँ कि बड़े लंबे समय तो साढ़े समाज ना वख वख शहरां ते वख वख जगह ते समाज नूं नीचे गिराया जाता है। इस समाज दे विच पहले असी एक बंबे दा एक्टर जिन्हें साढ़े समाज वास्ते माड़ी शब्द दी वरती सी जलंधर के रल के साथियों ने उन्होंने अरैसट कराया। एक साहिल बब्बर जो श्री अमृतसर का है उसने साढ़े समाज वास्ते बहुत गलत शब्दावली वरती, उन्होंने अरैसट कराने वास्ते वख वख उपराले चलते हैं। और कल एक नवा केस राम तलाई चौंक में अमृत लैब के मालक लवली ने शेरे पंजाब दुकान पर जाके साढ़े समाज के बेटे नू गंदियां गालां कढ़ियां और समाज प्रति गंदे बचन बोले तो गोली मारने की धमकी दी। इस संबंध में असी एस एच ओ बी डिवीजन पेश होए, ड्यूटी अफसर मौके पर आए, उन्हें ड्यूटी अफसर फोन के धमकियां दित्तियां कि अपनी बकवास बंद कर असी आपे देख लवेंगे। ड्यूटी अफसर ने उन्होंने कहा तू साडे नाल इदां दे गंदे बच करदा तो परिवार नाल किदां करदे होगा। अज मान जो पुलिस कमिश्नर अमृतसर को पेश हुए हाँ, अगर दोषी तो दो दिन परचा ना दर्ज होया तो समूह भाईचारा वाल्मीकि भाईचारा सड़क उतरेगा और ये दोषी बख्शा नहीं जाएगा। जय भीम जय भारत जय वाल्मीकि। खिलाफ ते गुआंढ प्रदीप बब्बर है, उन्हें कमिश्नर साहब को दरखास्त की है कि मैंने उन्होंने कोई जाति सूची गाली कढ़ी है, वो बारे तुम कुछ दसना चाहते की कहना चाहते जी? सर मैं अमन मसाद के कानून मनन वाला व्यक्ति हाँ, मैं कभी भी यहोजा काम नहीं करा। दूसरी गल जी इन्हें कंप्लेन दी है ये आदत हैगी है, ये पहले भी कई इतने जोड़े दुकानदार है उन्होंने ऑलरेडी झूठिया दरखास्तां जाति सूचकवाद शब्द मेरे ते भी ऑलरेडी एक बार 2018 इन्हें दी सी, सारिया शिकायतों झूठा पाया गया। हूँ मैं नवी दुकान ली है नाल दे पासे, मतलब कि मेरे लगती 26 नंबर दुकान है, मैं उत्थे कंस्ट्रक्शन कर रहा हाँ तो यू कंस्ट्रक्शन अड़िका बनया हुआ है, उत्थे मैं काम नहीं कर दे रहा मेरी अपनी दुकान पर, तो मैं मतलब कि ना बहुत लगता पे भी मैं कि भंबल भुस्से फस गया। तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है सरकार को प्रशासन को मेरी मदद की जाए, इस बंदे नत्थ पाई जाए, मेरी यही मंग। ये प्रदीप गब्बर ये कहता वा भी मेरी दुकान पर आए मेरे बेटे ने उन्होंने जो गाली गलौज की हाथ से उन्होंने पिस्तौल फड़िया आया से। देखो जी जे कुछ उन्होंने कोल हैगा दिखा देना, बाकी मेरे को तो वीडियो बनी हुई है सारी, मेरे को सारी CCTV की रिकॉर्डिंग पई है, जो ये कहता सब झूठा है तो बिल्कुल ही झूठा है जी सब कुछ। ठीक थैंक यू सर। जय वाल्मीकि जी जय भीम जय भारत। मेरा नाम सुमित काली है, भगवान वाल्मीकि अंबेडकर कोर कमेटी पंजाब। अज जो CP साहब को असी मिलन आए सो माणयोग CP साहब तो चलो सानू अज नहीं मिले, उन्होंने मतलब के असिस्टेंट मिले है तो उन्होंने अज साड़ी गलबात हुई है कि जेडे भगवान वाल्मीकि अंबेडकर कोर कमेटी है इन्होंने हमेशा ही एक मुद्दा चुकया कि जेडे ऐसी समाज के जेडे परचे दर्ज होंगे आ उन्होंने उत्ते जल्द तो जल्द कार्रवाई नहीं होंगी, वो संबंध अज पूरे समाज को इकट्ठा किया वा। और असी यो ही चाहते हाँ कि जेडे ऐसी समाज दियाँ गलत शब्दावलियाँ जड़िया भावनावां नूं ठेस पहुँचाउंदे आ जिहड़े जाति प्रति अपशब्द बोलते हैं उन्होंने नत्थ पाई जाए। और एक नवां नवां जिहड़ा एक केस है लवली का जिहड़ा शेरे पंजाब के उत्ते दुकान के उत्ते जाके उन्होंने उन्होंने मालका के बेटियां नूं जाके अपशब्द बोले, उस बंदे ते कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए आ। अगर उस दे उत्ते कानूनी कार्रवाई ना हुई तो फिर मजबूरन सानू थाने का घराओ करना पैना है या कि चक्का जाम करना पैना है। असं चाहते हाँ कि यहोजे दोषियों के उत्ते नत्थ पाई जाए कि हमेशा ही वाल्मीकि समाज यहो ही आ सारे ही धर्मां का सत्कार करता है, सबनों नाल लैके चलता वा, तो हमेशा ही असी किसी तरह की कोई जातिवाद नहीं करते, तो जिहड़े लोग करते उन्होंने नत्थ पैनी चाहिए आ और यहोजे लोगों जेल च सुटना चाहिए। जय वाल्मीकि जय भीम जय भारत।